इस लेक्चर में आपके सामने टॉपिक हाजिर है जिसके बारे में हम बात करेंगे अलजब्रा एंड डेटा साइंस डेटा साइंस में एप्लीकेशन्स कहाँ कहाँ हैं हैंजबरा की तो अल्जबरा की डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं इतनी ज़्यादा कि मैं यहाँ पर लिखने बैठूँ तो हर एक डेटा साइंस की इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलजब्रा का निकल आता है आप स्टार्ट ही ले लें पाइथन में जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स हैं क्या भाई एक्स के इक्वल या डी के इक्वल जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो क्या हैं कॉलम में जब हम वेरिएबल्स को बताते हैं तो वो क्या है वो बेसिकली बेसिकलीअजरा ही है ठीक है जब हम कहते हैं कि फ्लॉ कॉलम ये कह रहा है फ्लॉ वेरिएबल ये कह रहा है तो हम टर्म्स जो हैं अल्जब्रा के यूज़ कर रहे हैं सो लेट्स डाइव इन टू इट और हम देखते हैं किस तरीके से हमारे पास अल्जरा और डेटा साइंस का मिलाप है और एप्लीकेशन क्या क्या है सबसे पहले मैट्रिक्स ऑपरेशन मैट्रिक्स यानी कि कालब मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं नंबाई के एरेज होती हैं और डिफरेंट किस्म के, के टेंसर जो आप आने वाले दिनों में भी पढ़ेंगे खासतौर पर टेंसर फ्लो की जब हम बात करेंगे तो ये सारा कुछ मैट्रिक्स और वैक्टर्स और स्पेसिस वगैरह ये सारा कुछ निकला है आपके अल्जबरा में डेटा इन डेटा साइंस इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स मैट्रिस ठीक है अल्जबरा ऑपरेशन अलजब्रिक ऑपरेशन ऑन दीज मैट्रिस आर असेंशियल फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर आपको लीनियर जबरा में मैट्रिक्स की समझ ही नहीं है तो आप कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्म करेंगे एक तस्वीर को लीनियर जबरा के थ्रू जब आपको पता ही नहीं है ना कि प्रोडक्ट क्या होती है किस तरीके से लीनियर जबरा काम करता है सो दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न इफ़ यू आर मैनिपुलेटिंग अ डेटा सेट और यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग वन डेटा टू अनदर डेटा तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है जब आप किसी एक डेटा को कोड या इनकोड कर रहे होते हैं ठीक है डी कोड कर रहे होते हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं मैं मिसाल देता हूँ मैंने अक्सर ओकात आपको बोला कि यार जब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम आते हैं तो हम उसको डेटा को इनकोड करते हैं फीचर इनकोडिंग का लेक्चर मैंने प्रॉपर दिया आपको फीचर इनकोडिंग क्या होती है वो एक डेटा को दूसरे डेटा में इनकोड करना यानी कि मेरा नाम अमार है किसी का नाम सुफियान है किसी का नाम ताहिर है तो तीनों को जीरो वन टू तीन नंबर दे दिए जाएं तो इसको इनकोडिंग बोलते हैं अब इनकोड कर लिया इसको बाद में डी कोड भी तो करना है ना तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द प्रीवियस नेम्स तो फाइंडिंग एन अन नोन वैल्यू वो बेसिकली मैट्रिक्स ऑपरेशन के थ्रू आप काम करते हैं तो ये एक चीज़ होगी सेकेंड वैक्टर स्पेसिज है अंडरस्टैंडिंग वैक्टर स्पेसिस इज क्रूशियल फॉर मेनी डेटा साइंटिस्ट एल्गोरिथम या डेटा साइंस के एल्गोरिथम स्पेशली दोज यूज इन मशीन लर्निंग एंड स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग वैक्टर स्पेसिस अगर आपको नहीं पता आप मशीन लर्निंग के अंदर काम नहीं कर सकते आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स के बारे में मैंने बात की जब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं या डिफरेंट किस्म के फीचर को डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे होते हैं विच इज़ वेरी क्रूशियल इन मशीन लर्निंग यानी कि आप कॉलम्स जो चाहिए वो ही रखें बाकी निकाल दें उसके लिए आपको आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स का पता होना चाहिए इसके आगे लीनियर रिग्रेशन है दिस इज़ वेरी स्मॉलेस्ट एंड सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग अल्जबरा जो है इसकी बेसिक लीनियर अल्जब्रा की जो टाइप है वो बेसिकली आपकी फॉर्म करती है लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को विच आर यूज टू अ कॉन्टिन्यूस टारगेट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन वन और मोर इनपुट फीचर तो ये जो है लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज़ होता है लीनियर अजबरा ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अल्जब्रिक मैथड्स को यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर मॉडल और लीनियर अल्जब्रा का अगर आपको पता है तो लीनियर अल्जबरा या आप मैट्रिक्स ऑपरेशन को यूज़ करके सेम मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं मशीन लर्निंग में देन आप सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन यानी कि इन डेटा साइंस आपके पास अक्सर अवकात कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कोई क्वेश्चन होता है तो अल्जब्रा का मेन मकसद ही यह है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन दरियाफ्त करना एंड इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड दैट सोल्यूशन यूजिंग बेसिक रिथमेट्रिक ऑपरेशन बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन अगर आप तस्वीरों या ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं या आप फॉर uh, एग्ज़ाम्पल एक एन एल पी की बात कर रहे हैं या डिफरेंट किस्म के नंबर्स प्लस सिम्बल्स प्लस लेटर्स की बात कर रहे हैं तो आपको अल्जबरा आना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी सो डेटा साइंस के अंदर आप लीनर एक्वेशन यूज़ करते हैं टू फाइंड एन अन नॉन वेरिएबल विच इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अलजबरा तो अलजबरा को बड़े लेवल पर लिया जाए तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि अल्जबरा इज़ मशीन लर्निंग अगर अलजबरा है तो ही मशीन लर्निंग है समझ गए बात को इसका मतलब अजबरा भी अनना उनको फाइंड करते हैं हम भी अनना उनको फाइंड करते हैं बड़ी एक क्लासिकल एग्जाम्पल आपको देने लगा अगला मैच पाकिस्तान का जब भी आ रहा है क्रिकेट का मैच क्या उस दिन बारिश होगी ये प्रोडिक्शन है और अलजबरा क्या करता है अननोन को ही तो प्रोडिक्ट करता है ना बेस्ड ऑन इक्वेशन तो इसका मतलब है अगर आपको इक्वेशन डिराइव करने आ कैन प्रिडिक्ट एन अननोन वैल्यू और अलजबरा सारे का सारा चलता है, so अच्छा जी, फिर आपके पास है machine, नाम सुना होगा नहीं सुना तो नो प्रॉब्लम के मीन क्लस्टरिंग का नाम सुना होगा नहीं सुना तो नो प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स आर ग्राउंडेड इन अल्जबरिक प्रिंसिपल ये सब कुछ अल्जबरा के बेस पे चलता है अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मशीन लर्निंग के काफ़ी बड़े बड़े अलग्रिथम्स के लिए अल्जबरा जरूरी है और भाजी जब अलजबरा ना सीखी तो कहड़े मुँह न मशीन लर्निंग सीखोगे दसो मैं पानी पीना मैं दसोरा हाँ जी किस मुँह से सीखेंगे मिसाल मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको अलजबरा नहीं आता तो मशीन लर्निंग कहाँ से आएगी तो डेटा साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हैं क्योंकि कोर पार्ट है मशीन लर्निंग अब मुझे एक बात बताएं अगर आप बेसिक ऑपरेशन अलजबरा के सीख लेते हैं प्री अलजबरा सीख लेते हैं इंटरमीडिएट सीख लेते हैं एडवांस सीख लेते हैं लीनियर लीनियरजब्रा सीख लेते हैं फैक्टर्स मेट्रिस और इनके ऑपरेशन सीख लेते हैं बिलीव मी आई कैन रिकमेंड कि आप जब ये सीखेंगे फिर मशीन लर्निंग पढ़ के देखिएगा और मुझे बताइएगा कितनी आसान है मशीन लर्निंग नहीं यकीन आता तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं वी विल टेस्ट दैट नेक्स्ट है जी हमारे पास डीप लर्निंग के एल्गोरिथम अभी सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी टेंसर के अंदर भी डायमेंशन ऑफ एरेस यानी कि नम पाई के अंदर भी अल्जबरा जो है बहुत ज्यादा क्रूशल करता है काम किस तरीके से जब आप एक नेटवर्क को डिजाइन कर रहे होते हैं अगर आपको न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर का नहीं पता ना तो मैं अभी आपको बता देता हूँ हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपने चुटकी काटता हूँ मेरे ये मैसेज बॉडी में दिमाग में जाता है दिमाग मुझे बताता है कि भाई यहाँ पर दर्द हो रही है कुछ हुआ है ठीक है तो वो जो कुछ कुछ हुआ है ना यहाँ पे उंगली के ऊपर ये जो मैसेज ट्रांसफॉर्म किया मेरे दिमाग को इसी तरीके से मशीनों के पास हम डिफरेंट किस्म के डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं और हर एक कनेक्शन के अंदर एक इक्वेशन छुपी होती है जिसको हम वेट्स प्लस बाइसिस इक्वल टू द वैल्यू इसके एक रखते हैं जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं तो अगर आपको बेसिक ऑपरेशन का पता होगा ना बिलीव मी वो न्यूरल नेटवर्क जितनी आसानी से आप डिज़ाइन कर पाएंगे ना कोई दूसरा डेटा साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों की बहुत ज़रूरत है जॉब्स ज़्यादा हैं लोग कम हैं लेकिन ऑन दी अदर साइड लोग जो कम हैं उनमें भी वो लोग कम हैं जिनकी बेसिक्स पे महारत है या वो अबूर रखते हैं यानी कि वो बेसिक्स को अच्छे से जानते हैं तो आप कम से कम ऐसे बने कि अपने फील्ड में ऊपर जाके फिर लोगों को बताएँ कि ये भी मुझे आता है ये भी मुझे आता है मुझे बेसिक्स भी आती है मुझे एडवांस का भी पता है मुझे न्यूरल नेटवर्क की इन डेप्थ नॉलेज भी है सिर्फ बनाने का नहीं पता सो so, ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है मैं तो जितना एम्फोसाइज कर सकता था मैं कर रहा करूँ देन ग्राफ थ्योरी हमारे पास आती है अल्जब्रिक ग्राफ थ्योरी इज यूज टू डेटा साइंस यूज इन डेटा साइंस फॉर द एनालिसिस ऑफ नेटवर्क एंड रिलेशनशिप अमंग इंटरकोनेक्टिंग नोड्स एंड एजेस ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के नोड्स एंड एजेस होते हैं मैं एक मिसाल आपको देता हूँ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम आपको पता है क्या होता है नहीं पता तो यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं ग्राफ थ्योरी में डिसीजन ट्री जो एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट फॉरेस्ट एल्गोरिथम है लाइट जी बी एम है बूस्टिंग एंड बैगिंग के कॉन्सेप्ट हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं आई नो कि ये जॉर्गन हैं लेकिन आप इसमें बोलना स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा ना टेक्निकल चीज़ें क्या हैं तो ग्राफ थ्योरी के बेस पे वो बनते हैं और इसके अंदर भी अल्जबरा छुपा हुआ है अब यार कहाँ परजबरा नहीं है मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ बता दें जहाँ पे अल्जबरा नहीं है लो जनाब एन एल पी भी आ गए जिसका चैट जी पी टी बना हुआ है अल्जबरा इज़ यूज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एन एल पी फॉर टास्क सच एज एनालिसिस एनालिसिस होता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा एक जो वर्ड आपने या सेंटेंस बोला है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके सीमेंटिक्स क्या है वेर अल्जबरा टेक्निक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज ठीक है तो ये भी हम इसमें सीखते हैं देन इमेज रिकग्निशन के अंदर हम क्या हैं? करते हैं अल्जैब्रिक अप्रेशन को यूज़ करते हैं टू प्रोसेस एनालाइज इन इमेज डेटा टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड द फीचर्स अब आप कंप्यूटर विजन के अंदर जाने वाले हैं या आप चाहते हैं कि मैं जनाब ये जो वीडियो का डेटा है या डिफरेंट किस्म का डेटा है उसको एनालाइज़ करना सीखना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहता हूँ जिसको हम कंप्यूटर विजन बोलते हैं विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एडवांस ब्रांच ऑफ डेटा साइंस या मशीन लर्निंग तो आप वो कैसे करेंगे मतलब ये कि आप जब फेसबुक पे तस्वीर डालते हैं तो लोग आपको टैग टैग वाले क्यों फेसिज आ जाते हैं कि इसको भी टैग कर दो उसको भी कर दो वो बेसिकली कंप्यूटर विजन होता है एंड दैट ऑल्सो वर्कस ऑन द बेसिस ऑफ अल्जबरा दैन क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन अलजब्रिक मैथड्स आर यूज टू मईर डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटीज़ इन डेटा जैसे मैंने आपको बताया मेल वर्सेज़ फ़ीमेल इनको अगर मैंने सेपरेट करना है ये तो मैं आपको कहूँगा कि भाई मेल्स इधर बैठ जाएं सेपरेट होकर फीमेल दूसरी साइड पे बैठ जाएं लेकिन इन कंप्यूटर जब मेरे पास डेटा आ गया हाउ कैन आई आइडेंटिफाई टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वन कॉलम कैसे मैं फाइंड करूंगा वो भी अलजबरा है अब आप कहेंगे हर जगह ही अल्जबरा घुसा है बिल्कुल घुसा हुआ है विच आर क्रिटिकल फॉर क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन टास्क ये एक प्रॉपर पूरी की पूरी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जिसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं विच इज़ अज थिंग इन टूडेज एरा फॉर लर्निंग मशीन लर्निंग टास्क या डीप लर्निंग टास्क और उसके लिए भी अल्जबरा जरूरी है अब आपको जितनी मैंने टाइप्स बताई हैं इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कह सकें कि अल्जब्रा से रिलेटेड है या अलजबरा इसके अंदर यूज़ होता है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स ऑन द सेकेंड नोट आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि आप ख़ुद से भी सोचें कि अलजबरा की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अलजब्रा को सीखने के लिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए एक नोटबुक ज़रूर बनाएं साथ साथ क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं ये छोटी सी असाइनमेंट आपकी एक और है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अल्जबरा ज़रूर देखनी है एप्लीकेशन ऑफ प्री अल्जबरा भी देखनी है या आप सिंपली ये कर लें कि एप्लीकेशन ऑफ अल्जबरा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कौन सी है एप्लीकेशन ऑफ अल्जबरा इन ए कौन सी है ठीक है एंड देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट टास्क